नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कास्केडिंग स्टाइल शीट. कास्केडिंग स्टाइल शीट मीन्स हाउ टू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डेटा. तो सी एस एस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. द मेन बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज डैट वी कैन चेंज द लुक एंड द फील ऑफ आवर वेब पेज ऑफ आवर वेबसाइट बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ जस्ट वन सिंगल स्टाइल सी एस एस फाइल. पॉइंट इज सी एस एस इज़ यूज टू मैनेज द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ द वेब पेज. आप अपने वेब पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सी एस एस डिस्क्राइब्स हाउ डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. वेबसाइट आपकी कैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, कितने अट्रैक्टिव वे में डिस्प्ले कर सकते हैं. सी एस एस सेव अ लॉट ऑफ वर्क. इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस. मीन्स आप जब सी एस एस करते हैं तो सी एस एस हम हेड पोर्शन में क्रिएट करते हैं. मीन्स आप डॉक्यूमेंट जो एचटीएमएल पेज क्रिएट कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके भी उसका स्टाइल शीट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. या फिर आप एक वन टाइम आपने हेड पोर्शन पर स्टाइल शीट क्रिएट कर दी, आपने पूरी फॉर्मेटिंग लिख दी, अब वो फॉर्मेटिंग आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट में वर्क करती है. तो सी एस एस कैन बी एडिड टू एच टी एम एल एलिमेंट्स इन थ्री वेज. इन लाइन बाई यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन एच टी एलिमेंट्स. इंटरनल बाई यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन. और एक्सटर्नल बाई यूजिंग एन एक्सटर्नल सी एस एस. तो इंटरनल जब हम डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको क्रिएट करते रहते हैं उसको एक्सटर्नल कहते हैं. इन लाइन मीन्स जब हम स्टाइल एट्रीब्यूट को एच टी एम एल के साथ यूज़ करते हैं तो इन लाइन. एक्सटर्नल जब हम एक अलग से उसका फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं. सी एस एस हैज़ थ्री पार्ट्स. सेलेक्टर एलिमेंट विच इज़ टू बी मॉडिफाइड. आपको किस टैग को किस वैल्यू के साथ यूज़ करना है आप सेलेक्टर यूज़ करते हैं. प्रॉपर्टी एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी इज़ टू बी मॉडिफाइड. मीन्स कलर साइज ऑफ फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं. वैल्यू चेंज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू. वैल्यू आप जो भी लिख रहे हैं उस वैल्यू पे आप कैसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं. सिंटेक्स क्या है. सेलेक्टर कर्ली ब्रेसेस ओपन प्रॉपर्टी कोलन साइन वैल्यू. तो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो करा गया है एच वन सेलेक्टर है, एक हेडिंग है एच वन, एक टैग है एच वन जो कि हेडिंग को लार्जेस्ट साइज में डिस्प्ले करता है, और उसका उस हेडिंग का कलर कैसा होगा ब्लू, फॉन्ट साइज होगा 12 पिक्सल्स का. तो दिस आर द स्टाइल और प्रॉपर्टी सिंटेक्स. नेक्स्ट इज इंटरनल सी एस एस. नेक्स्ट इज इंटरनल सी एस एस. एनी इंटरनल सी एस एस इज़ यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल एच टी एम एल पेज. एक सिंगल एच टी एम एल पेज को क्रिएट फॉर्मेट करने के लिए हम इंटरनल सी एस एस यूज़ करते हैं. द कोड इज रिटन इन द हेड सेक्शन ऑफ एन एच टी एम एल पेज विद इन अ स्टाइल एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल एच टी एम एल ओपन हेड ओपन देन स्टाइल इज ओपन. अब आप पूरे पेज के लिए कौन सी कैसी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं आप उसको डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टाइल टैग ओपन करा देन आप बॉडी टैग को ओपन करेंगे. बॉडी टैग मीन्स कंप्लीट डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसी होगी. तो आप यहाँ पर हेड पोर्शन में ही आप डिफाइन करेंगे बॉडी बैकग्राउंड डैश कलर कोलन साइन पाउडर ब्लू. मीन्स जो बॉडी टैग जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा होगा पाउडर ब्लू कलर का होगा. फिर बॉडी टैग में ही जो आप डॉक्यूमेंट में एच वन हेडिंग को यूज़ कर रहे हैं एच वन टैग को यूज़ कर रहे हैं उस एच वन का या हेडिंग का कलर कैसा होगा कलर कोलन साइन ब्लू कलर जिसको कि आप कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे. पैराग्राफ के लिए पी कर्ली ब्रेसेस कलर कोलन साइन रेड सेमी कोलन. तो यहाँ पर जो बॉडी का जो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर होगा वो पाउडर ब्लू होगा. पाउडर ब्लू के ऊपर जो आप हेडिंग लिखेंगे जिसके लिए टैग यूज़ करा गया एच वन उसका कलर ब्लू कलर का होगा. और उसी पेज पर जो ब्लू कलर का पेज होगा उसमें जो पैराग्राफ आएगा वो पैराग्राफ होगा रेड कलर का. तो यहाँ पे डिफाइन करा जा रहा है एच वन कर्ली ब्रेसेस ओपन कलर कोलन साइन ब्लू सेमी कोलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज पी कर्ली ब्रेसेस ओपन कलर कोलन साइन रेड सेमी कोलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज स्टाइल. तो इस देन क्लोज हेड आपने हेड पोर्शन में स्टाइल को सी एस एस को डिक्लेयर कर दिया. देन आप बॉडी में आप क्या टैग्स लिखने जा रहे हैं ठीक है आप कौन सा टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं इसको डिफाइन करना है. तो बॉडी टैग स्टार्ट एच वन हेडिंग टैग है तो एच वन दिस इज़ अ हेडिंग क्लोज एच वन. तो ये दिस इज़ अ हेडिंग जो यहाँ पर हेडिंग दी गई है वो किस कलर से होगी ब्लू कलर से होगी.
पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ करा गया है, दिस इज़ अ पैराग्राफ क्लोज पी, मीन्स पैराग्राफ जो भी आप टाइप करेंगे वो रेड कलर से आएगा, क्लोज HTML और क्लोज बॉडी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल CSS। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ यूज टू चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट। कंप्लीट वेबसाइट के लिए जब आप एक सिंगल टाइम फॉर्मेटिंग करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम लोग नोट पैड पर HTML डॉक्यूमेंट अलग क्रिएट करते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .html, और उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग एक अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .css। और जो फाइल हम लोग .css एक्सटेंशन से क्रिएट करते हैं उस फाइल को हम लोग HTML की फाइल में लिंक कर लेते हैं। तो टू यूज़ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट एड अ लिंक टू इट इन द हेड सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल HTML हेड स्टाइल लिंक नेम इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमास स्टाइल शीट HREF इक्वल्स टू स्टाइल .css। हमने स्टाइल .css नाम की एक फॉर्मेटिंग या एक CSS फाइल क्रिएट करी थी जिसको हम HTML डॉक्यूमेंट में कॉल कर रहे हैं। क्लोज हेड बॉडी टैग स्टार्ट H1 दिस इज़ अ हेडिंग H1 क्लोज H1 P दिस इज़ अ पैराग्राफ क्लोज P क्लोज बॉडी क्लोज HTML। तो यहाँ पर जो स्टाइल .css नाम की फाइल क्रिएट करी थी हमने फॉर्मेटिंग के लिए, जहाँ पर सिर्फ फॉर्मेटिंग करी गई है H1 और P के लिए, उस फाइल को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो जब हम कॉल करते हैं तो उस फाइल में जो फॉर्मेटिंग की थी हम लोगों ने, कलर साइज जो भी आपने चेंजेस करे थे, वो सब यहाँ पर H1 और P टैग में अप्लाई हो जाएंगे। देन HTML फ्रेम टैग, वेन यू वॉन्ट टू डिस्प्ले मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो। जब आप वन से ज़्यादा HTML डॉक्यूमेंट को एक सिंगल विंडो में शो करना चाहते हैं तो फ्रेम टैग को हम यूज़ करते हैं। फ्रेम टैग क्या करेगा, मान लीजिए आपने 3 डॉक्यूमेंट्स को वन स्क्रीन में आप शेयर कर रहे हैं तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने बॉर्डर से डिवाइडेड हो जाएंगे। तो द फ्रेम टैग इज़ यूज फ्रेम डिवाइड इज अ ब्राउजर विंडो इंटू सेवरल पीस ऑफ और पीस ईच पीस कंटेनिंग अ सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट। ग्रुप ऑफ फ्रेम्स ऑन अ ब्राउजर विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट। जब हम वन और वन से ज़्यादा फ्रेम्स को एक साथ शो करते हैं, जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 59 पे शो करा गया, यहाँ पे 3 फ्रेम्स हैं, फ्रेम ए फ्रेम बी और फ्रेम सी, मीन्स ये 3 HTML डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि हम एक साथ शो कर रहे हैं। तो द फ्रेम टैग डिफाइंस वन पर्टिकुलर विंडो फ्रेम विद इन अ फ्रेम सेट टैग। अ वेब पेज कैन बी डिवाइडेड इंटू कॉलम्स और रोज। जितने भी आप HTML डॉक्यूमेंट करना आपस में कंबाइन करते हैं वो कॉलम्स या रोज में डिवाइड होकर हमारे सामने शो हो जाते हैं यूजिंग COLS कॉल्स और रोज एट्रीब्यूट ऑफ अ फ्रेम सेट टैग रिस्पेक्टिवली। द फ्रेम एलिमेंट इज ऑलवेज एन एम्प्टी एलिमेंट। फ्रेम सेट एम्प्टी एलिमेंट होता है, मीन्स आप इसको ओपन करेंगे बट क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव एनी कंटेंट ऑल्दो ईच फ्रेम एलिमेंट शुड ऑलवेज कैरी वन एट्रीब्यूट SRC टू इंडिकेट द पेज दैट शुड बी डिस्प्लेड ऑन दैट फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल ईच फ्रेम इन अ फ्रेम सेट कैन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज बॉर्डर स्क्रॉलिंग रिसाइज एक्सेट्रा। मीन्स फ्रेम के साथ हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू डैश कलर आप डिफाइन कर देंगे। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रेम टैग्स आर, फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग इज SRC। दिस एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द फाइल दैट शुड बी यूज इन द फ्रेम। इट्स वैल्यू कैन बी एनी URL, URL मीन्स एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स इज फ्रेम विद इन एंगुलर ब्रैकेट फ्रेम SRC इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स किसी भी डॉक्यूमेंट का कंप्लीट पाथ या किसी भी एड्रेस का कंप्लीट पाथ आपको देना है। पाथ मीन्स एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल SRC इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिखा गया है विल लोड ऑन HTML फाइल अवेलेबल इन द HTML डायरेक्ट्री। नेम दिस एट्रीब्यूट अलाउज यू टू गिव अ नेम टू अ फ्रेम। अब जो आप फ्रेम आप यहाँ पर वन मोर देन वन HTML फाइल को जब आप शो करना चाह रहे हैं तो उन फाइल्स के जो नेम हैं उनको आपको यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट के साथ लिखना है। तो जैसे यहाँ पर प्रोग्राम में शो करा गया है कि HTML फ्रेम सेट कॉल्स, मीन्स जितनी भी HTML फाइल्स को आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं शो करेंगे वो कॉलम्स में होंगी और उन कॉलम्स का साइज़ क्या होगा 25% वर्टिकल एंड 25% हॉरिजॉन्टल। फ्रेम SRC इक्वल्स टू फर्स्ट फाइल नेम, तो विद इन इन्वर्टेड कॉमास फ्रेम _ फाइल नेम है a.htm। फ्रेम SRC इक्वल्स टू फ्रेम b.htm सेम एज थर्ड फ्रेम .chtml। क्लोज फ्रेम सेट क्लोज HTML। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या है,
कि थ्री डॉक्यूमेंट्स को, थ्री HTML डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे कॉल करा गया है इन अ वन विंडो, एक सिंगल स्क्रीन पर, जो स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है उस स्क्रीन में थ्री डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कॉल करा जा रहा है, शो करा जा रहा है। तो यहाँ पे शो करने के लिए क्या करा गया, कॉलम वाइज उनकी विड्थ बता दी गई 25% विड्थ एंड 25% हाइट। फर्स्ट फाइल a.html, सेकेंड फाइल b.htm, थर्ड फाइल c.htm। क्लोज फ्रेम सेट, फ्रेम सेट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वन टू मोर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हमने कॉल करा हुआ है, इसलिए ये फ्रेम सेट है, एक सेट हमने बनाया हुआ है। एंड देन क्लोज HTML। तो जैसे आपकी बुक में शो करा गया पर्पल कलर से, फ्रेम ए आ रहा है, देन फ्रेम बी शो हो रहा है और फ्रेम सी शो हो रहा है। इस ऐसे हम मोर देन वन डॉक्यूमेंट को एक सिंगल विंडो में शो कर सकते हैं।